नमस्कार दोस्तों, जी एस जोन आर्ट काम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज आपको मैं बताने वाला हूँ आर्ट काम के बेसिक के बारे में, क्योंकि आर्ट काम हम लोग बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल भी किया था, मैसेज भी किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ हमें बिगिनिंग से आर्ट काम समझाओ, कुछ आर्ट काम कुछ समझ भी नहीं आता कुछ लोगों के लिए जो लोग नए हैं। इसलिए मैं बिगिनिंग से बेसिकली आर्ट काम कैसे वर्क करता है वो आज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग आर्ट काम 2017 को ओपन करेंगे। मेरे पास आर्ट काम 2017 है, उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। उसको ओपन करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की कैपेसिटी कैसी है, सिस्टम की रैम कैसी है। आर्ट काम 2017 के लिए मिनिमम रैम 4 GB चाहिए, तभी आर्ट काम अच्छा काम कर सकता है। देखिए दोस्तों, हमारा आर्ट काम ओपन हो गया। यहाँ पे है न्यू मॉडल, न्यू प्रोजेक्ट और ओपन। ओपन मीन्स हमने जो प्रोजेक्ट पहले बना के रखे हुए वो ओपन करने के। हम लोग सबसे पहले जाएंगे न्यू मॉडल में। न्यू मॉडल में जाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पैनल ओपन हो गया न्यू मॉडल का। यहाँ पे दिया है डायमेंशन, डायमेंशन पे विड्थ एक्स है, हाइट वाई है। तो हमारे मशीन जो भी हमारा सीएनसी मशीन है उसकी वर्किंग जो एरिया है वो कितना है उसके हिसाब से ही हमें वर्क करना पड़ता है। तो हमें मशीन भी ध्यान में रखना है और आर्ट काम भी ध्यान में रखना है, दोनों को ध्यान में रखे ही काम करना है। तो उसके बाद में हम लोग साइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं, साइज़ का हम लोग जो भी वर्किंग एरिया है वो हिसाब से साइज़ डाल देंगे। हमने नॉर्मली सीट के हिसाब से जो होती है 8x4 की, उसके हिसाब से हम लोग साइज़ डालेंगे। 2440 मीन्स मैं MM में काम करता हूँ, आर्ट काम भी MM में काम करता है, तो MM ही डालेंगे हम लोग। 1220 ये होगी 8x4 की सीट। तो उसके बाद में ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है इसको कहा जाता है ओरिजिन कहा जाता है। उसके बाद में आपकी मशीन की जीरो कहाँ पे सेट है, आपकी मशीन कहाँ से शुरुआत करती है वर्क के लिए, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रखने का। तो मोस्टली मशीन की यहाँ पे ओरिजिन होती है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दी तो यहाँ पे ओरिजिन होती है। आप सेंटर में भी क्लिक कर सकते हैं, साइड में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हर कोने पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मशीन यहाँ से जीरो स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये तो हो गया ओरिजिन का सेट। उसके बाद में नीचे यूनिट्स हम लोग MM में काम करेंगे। आपकी मशीन अगर इंचेस में काम करती तो आप इंचेस में काम कीजिएगा, अगर आपकी मशीन MM में काम करती तो MM में काम कीजिए। बहुत सारी जो मशीन है वो MM में काम करती है, इसलिए हम लोग MM में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जो हमने साइज़ ली थी वो हिसाब से साइज़ ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे दिखाई दिया है दोस्तों 2D व्यू, 3D व्यू। तो हम लोग 2D व्यू पे क्लिक करेंगे, ये नॉर्मली वाइट कलर की हो जाएगी, ये हो गई 2D व्यू। देखिए दोस्तों, अभी ये जो लेफ़्ट साइड में है, जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, ये साइड में ये है टूल बॉक्स, पूरे टूल्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे सिलेक्शन टूल है, उसके बाद में नोड एडिटिंग है, उसके बाद में ट्रांसफॉर्म टूल है, उसके बाद में पेंसिल है, ड्रॉ है, तो कलर है, मेजरमेंट टूल है, उसके बाद में क्रिएट पॉलीलाइन है, राइट एंगल क्रिएट है, उसके बाद में सर्कल है, उसके बाद में पॉलीगॉन से क्रिएट पॉलीगॉन से, उसके बाद में आर्क है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जेन में रखेंगे कि आर्ट काम वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी मॉडल बना के लेंगे, तो सबसे पहले मैं बनाऊँगा कि आर्ट काम में मॉडल कैसे बनाती है, ड्राॅइंग कैसे की जाती है। तो आर्ट काम में दोस्तों कभी भी याद रखना, आर्ट काम में सिर्फ बेसिकली ड्राइंग हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग फुल अप ड्राइंग हमें करना है मेजरमेंट से, तो हमें उसे ऑटो कैड में करनी होगी। ऑटो कैड में परफेक्टली ड्राइंग होगी, उसको डी एक्सेल फाइल में सेव करके हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में आगे चल के बताऊँगा, पहले बेसिक जो है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग राइट एंगल पर क्लिक करेंगे, क्रिएटर राइट एंगल को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद राइट एंगल आपको स्क्वायर में चाहिए, राइट एंगल में चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग राइट एंगल पे सिलेक्ट करेंगे। राइट एंगल पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ दी है साइज़ है विड्थ। विड्थ मैंने पहले ही आपको बताई, विड्थ आपको जो भी है, विड्थ मीन्स एक्स है, हाइट मीन्स वाई है, तो ये जहन में रखना है हमेशा। तो विड्थ हम लोग डालेंगे 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर हमने टाइप कर दिया। 1000 mm टाइप करते ही देखिए यहाँ पे एक डैश लाइन आ गई, मतलब ये रॉ लाइन आ गई, मतलब इससे दिखाई देता है कि हमारा 1 मीटर तक लाइन खींची गई है, 1 mm तक लाइन खींची गई।
उसके बाद में हाइट हम लोग वो 500 डालते हैं, मीन्स 50 सेंटीमीटर डालते हैं। 50 सेंटीमीटर हाइट डालने के बाद देखिए डैश में पूरा एक स्क्वायर रेडी हो गया। ठीक है, एक स्क्वायर रेडी हो गया। यहाँ पे हमें अगर यहाँ पे हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा ये राइट एंगल क्रिएट हो गया। राइट एंगल क्रिएट होने के बाद देखिए दोस्तों, राइट एंगल में दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसके बारे में हम लोग फिर से मैं बताऊँगा उसके बारे में। साइज़ पे अगेन हम लोग जाते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 मीटर डाल दिया 1000, यहाँ पे हमने 500 डाल दिया, 500 साइज ले ली। देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर रिड्यूस, अभी ये तो शार्प कॉर्नर है, अगर हमें थोड़ा सा रिड्यूस कॉर्नर चाहिए तो यहाँ पे समझो हमें चाहिए 5 सेंटी की रिड्यूस, मीन्स 50 mm की रिड्यूस। 50 mm की रिड्यूस हमने 50 mm डालते ही देखिए यहाँ पे दोस्तों रिड्यूस क्रिएट हो गया। तो उसके बाद में अगर हम लोग क्रिएट करते तो ये क्रिएट हो जाएगा। देखिए देखिए दोस्तों, ये रिड्यूस में राइट एंगल क्रिएट हो गया। तीसरा राइट एंगल में ऑप्शन है, हम लोग राइट एंगल लेते हैं, अगेन हम लोग 1 मीटर बाय 1 मीटर का राइट एंगल ले लेंगे, उसके बाद में 500 उसका हाइट डाल देंगे। उसके बाद में हमें कॉर्नर चाहिए तो कॉर्नर रिड्यूस आएंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग इसकी साइज थोड़ी सी हम लोग चेंज कर लेंगे, क्योंकि वहीं पर वो आ रहा है, सेंटर में ही आ रहा है, तो इसको हम लोग कैंसिल करके इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे साइड में। ठीक है दोस्तों, इसको मूव कर लिया। उसके बाद में अगेन राइट एंगल लेंगे, अगेन राइट एंगल लेने के बाद देखिए दोस्तों हम लोग साइज़ डालेंगे 1000 500। उसके बाद में देखिए यार रिड्यूस नहीं है, रिड्यूस हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद में है एंगल, आपके कौन से एंगल में चाहिए। हम लोग अगर 45 एंगल डालते हैं दोस्तों तो 45 में एंगल हो गया। देखिए दोस्तों, हम लोग अगर 30 डालते हैं तो 30 में रोटेट हो गया। अगर हम लोग 0 रखते हैं तो स्ट्रेट रहेगा। हम लोग 180 में रखते हैं तो 180 में भी वैसा है रहेगा। 90 में रखेंगे तो डायरेक्टली हाइट में हो जाएगा। तो मोस्टली एंगल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप साइज़ उसके हिसाब से डाल रहे हो तो एंगल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद देखिए दोस्तों, ये तो मतलब हम लोग तो राइट एंगल में स्क्वायर के बारे में सीख लिया बेसिकली, कि स्क्वायर कैसा क्रिएट किया जाता है। उसके बाद में स्क्वायर को हम लोग डिलीट कर देंगे। इसके बाद आता है लाइन, लाइन ये है पॉलीलाइन, पॉलीलाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लाइन हम लोग कहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए वैसे हम लोग लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या, ये पॉलीलाइन है, ये जब भी आप क्लिक करेंगे उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्लिक छोड़ देंगे, अगेन ड्रॉ करेंगे तो ये लास्ट तक ज्वाइन ही रहेगी पॉलीलाइन। आपको पता है कि पॉलीलाइन ज्वाइन ही रहती है, उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अगेन लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों ड्रॉ स्मूथ पॉलीलाइन है। तो यहाँ पे हम लोग अगर क्लिक करते और एक लाइन अगर खींचते हैं तो उसके बाद में शार्प नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिकली देखिए स्मूथ हो गया। उसके बाद में हम लोग दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे, उसकी जगह पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये स्मूथ होती जाएंगी। अगर स्मूथ हम लोग हटा देते हैं तो उसके बाद में स्ट्रेट ही होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग इसको छोड़ दिया। उसके बाद में पॉलीलाइन जो ए है, यहाँ पे उसका एक ऑप्शन है ऐड एग्जिस्टिंग लाइन। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे क्लिक करते लाइन उधर से ही स्टार्ट हो जाएगी, पॉलीलाइन वहाँ से ज्वाइंट हो जाएगी, जहाँ से हमने छोड़ी थी वहाँ से ज्वाइंट हो जाएगी। ये तो हो गया लाइन के बारे में। दूसरा है हमारा सर्कल, सर्कल में बहुत सारे सर्कल्स हैं। उसके बाद में हम लोग सर्कल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में सर्कल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सर्कल का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के जाने के बाद यहाँ पे दिखा है सर्कल सेंटर। अभी सर्कल सेंटर हम लोग सर्कल यहाँ पे अपने वर्किंग एरिया में कहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें अगर इसके सेंटर में ही बनाना है सर्कल तो हमारी जो साइज़ है उसके हिसाब से हमें डालना पड़ेगा। लेकिन वो डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग सर्कल क्रिएट करते ही अगर हम लोग F9 दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली सर्कल सेंटर में आ जाएगा। तो ये जो XY इतनी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी बंदे को डालने का है तो उसके हिसाब से वो कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सर्कल सेंटर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर सर्कल सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती तभी मैं आपको दिखा दूँगा। अगर X में हम लोग 200 डाल रहे हैं, उसके बाद में Y में अगर हम लोग 200 डाल रहे हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सर्कल का सेंटर क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हमने रिड्यूस अगर हम लोग 100 रिड्यूस डाल रहे हैं तो उसके बाद में देखिए जो हमने 200 बाय 200 पे क्लिक किया था, साइज़ डाली थी वो 200 बाय 200 सेंटर हो के उसके बाद में 100 रिड्यूस मीन्स 200 का सर्कल रेडी हो गया, 200 mm का, 20 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया सेंटर का बात।
हम लोग सेंटर पे नई क्रिएट करेंगे, उसके बाद में हम लोग अगेन सर्कल पे जाएंगे। सर्कल में दो ऑप्शन है दोस्तों, एक है रिड्यूस का, मतलब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में रिड्यूस हमें डालना है 200, तो रिड्यूस हमने 200 डाल दिया। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करके अगर हम लोग डाल रहे हैं डायामीटर, तो डायामीटर हम लोग 400 अगर डालेंगे तो ये भी सर्कल सेम क्रिएट हो जाएगा। ये दोनों सर्कल एक ही साइज़ का है, एक को हमने डायामीटर में बनाया और एक में हम लोग ने रिड्यूस में बनाया। तो सर्कल का इतना कोई मसला नहीं है कि सर्कल कैसा भी हो सकता, सर्कल का कोई इतना मसला नहीं है। उसके बाद में सर्कल में वापस एक ऑप्शन दिया है, ये है क्रिएट एलिपिक्स। इसका जहाँ पे देखिए यहाँ पे उसका ही सेम साइज़ दिया है, मतलब सर्कल के हिसाब से ही इसके अंदर वर्क करना है, लेकिन इसके डायमेंशन अलग अलग डालनी है, इसकी विड्थ अलग डालनी है और हाइट डालनी है, उसके हिसाब से क्रिएट हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी विड्थ 500 डालते हैं तो इसकी हाइट हम लोग 500 डाल दी तो उसके हिसाब से राउंड सर्कल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसकी हाइट अगर 200 डालती है तो एपिक सर्कल की तरह ये क्रिएट हो जाएगा। हम लोग इसको सेंटर में ले लेंगे, F9 दबा के सेंटर, हम लोग दोस्तों ऐसे ही उठा के हम लोग सेंटर में ले सकते हैं। तो सेंटर में ले लिया, उसके बाद में इसको हम लोग डिलीट करते हैं, अगेन एपिक में जाते हैं। अगर मैं सही तरह से आपको एपिक बताऊँगा कैसे क्रिएट करने का एलिपिक्स उसको बोला जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर सेंटर में हम लोग डालते हैं साइज़, अगर 500 डाल दी, उसके बाद में अगर इसको 500 डाल दिए तो 500 में सेंटर कॉर्नर रेडी हो गया उसका। उसके बाद में उसकी विड्थ हम लोग अगर डालते हैं 500 mm, उसके बाद में इसकी हाइट अगर हमने डाल दी 300, तो उसके हिसाब से ये रेडी हो जाएगा। तो इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद में जाते हैं हम लोग नीचे, तीसरा ऑप्शन है क्रिएट पॉलीगॉन्स, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, उसके अभी डायलॉग बॉक्स हम लोग ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ साइडल्स अगर हम लोग 5 डालते हैं तो 5 के हिसाब से ये क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कॉर्नर रेडी हो गए। ये तो सेंटर है, इसका कोई मसला नहीं। इसके बाद में इसका रिड्यूस हमें चाहिए, अगर 500 रिड्यूस चाहिए तो 500 रिड्यूस में ये क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद में ये है पॉलीगॉन्स क्रिएशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अगर समझो 8 चाहिए तो 8 वाला भी क्रिएट हो जाएगा, हमें अगर 15 चाहिए तो 15 वाला भी क्रिएट हो जाएगा, अगर हमें 3 चाहिए तो 3 वाला भी पॉलीगॉन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे, ये कोई इतना कुछ हार्ड नहीं है, नॉर्मली है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्टार में क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यह स्टार की ज्योमेट्री, उसके बाद में स्टार कितने नंबर चाहिए अपने, कितने कॉर्नर चाहिए स्टार में। तो यहाँ पे दिए पाँच पॉइंट के बाद में 0 एंगल है, तो एंगल आप भी डाल सकते हैं अगर हम लोग 45 एंगल डाल रहे हैं। उसके बाद में स्टार का रिड्यूस अगर हम लोग 500 रख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए उस क्रिएट करते हैं उसका हम लोग ये, सॉरी इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टार पे क्लिक करने के बाद वही सबसे स्टार बन जाएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों अनदर स्टार हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम लोग 5 पॉइंट तो ले लिए। उसके बाद में इसका होता है सेकंड पॉइंट मीन्स हम लोग अंदर लेके जा रहा हो बाहर लेके जा रहे हो, उसके हिसाब से स्टार क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए स्टार क्रिएट हो गया, क्रिएट बटन पे दबा देंगे स्टार क्रिएट हो गया, इसको डिलीट कर देंगे वापस। तो साइज़ बाय साइज़ से मैं आपको दिखाऊंगा, स्टार पे हमने क्रिएट कर लिए, 0.5 ले लिए। उसके बाद में उसका फर्स्ट रिड्यूस है वो 500 दे दिया और सेंटर रिड्यूस जो है उसका रिड्यूस डाल दिया फर्स्ट रिड्यूस। उसका अगर हम लोग 30 रिड्यूस डालते हैं उसका 300, तो उसके हिसाब से देखो दोस्तों वो अंदर की तरफ हो गए। अगर हम लोग बाहर की तरफ डालते हैं 600 को, वो बाहर की तरफ पॉइंट जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग वहाँ कुछ 1000 डाल देते हैं सेकंड, तो 1000 के हिसाब से बाहर क्रिएट हो जाएगा। अगर हम लोग इनसाइड 100 डालते हैं तो इनसाइड के हिसाब से स्टार क्रिएट हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्टार कैसा क्रिएट करने का। ये तो स्टार के बारे में जान गए आप लोग। उसके बाद में होता है आर्क, क्रिएट आर्क। देखिए दोस्तों यहाँ पे होता है स्टार के बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आर्क के बहुत सारे ऑप्शन है, सेंटर, स्टार्ट, एंड, उसके बाद में एंड, स्टार्ट एंड पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑन आर्क, उसके बाद में रिड्यूस,
स्टार इंड। तो मैं मोस्टली यूज कौन सा करता हूँ, सेंटर का यूज करता हूँ। सेंटर का बहुत ईजी, क्यों, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कीजिए, लास्ट पॉइंट पे क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी से हमें जितना चाहिए उतना आर्क हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग कट करेंगे, उसके बाद में अगेन आर्क में जाएंगे, ये दूसरा होता है सेंटर स्टार्ट एंड इन पे। हम लोग सेंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट जाएंगे, उसके बाद में देखिए दोस्तों ये आर्क के कौन से हिसाब से चाहिए वो हिसाब से आर्क क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। देखिए दोस्तों हमने आर्क के बारे में जान लिया, आर्क कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके बाद में हम लोग सेंटर और स्टार्ट इन पे क्लिक करेंगे। मैंने आपको दिखा दिया कैसा क्रिएट होता है, उसके बाद में रिड्यूस स्टार्ट इन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए रिड्यूस के साथ क्रिएट हो गया। सॉरी मैं अगेन करके दिखाता आपको, यहाँ पे रिड्यूस दिख रहा है 5 का। अगर हम लोग 5 रिड्यूस ज़्यादा डालते हैं, देखिए यहाँ पे हम मैं रिड्यूस डाल दूँगा 500 का, इसको क्लिक सिलेक्ट करके हम लोग मैं रिड्यूस डाल दूँगा 500 का, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा, देखिए 500 का रिड्यूस में ये आर्क क्रिएट हो रहा है, 500 के रिड्यूस में आर्क क्रिएट हुआ है। लेकिन मोस्टली दोस्तों ये सेंटर वाला यूज़ होता है, ये बहुत ईजिली है क्योंकि क्लिक करके डायरेक्टली हमें कौन से हिसाब से आर्क चाहिए वो हिसाब से हम लोग आर्क क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एरो दिया है, यहाँ पे एरो में हम लोग अगर जाते हैं नीचे तो ये बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पे एक ये टेक्स्ट का ऑप्शन, ये स्मूथ के ऑप्शन, सब इसमें मोस्टली स्मूथ भी काम में आता है और टेक्स्ट में भी काम आता है। और टेक्स्ट काम कैसे करता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी क्लिक कर दिया लेकिन वो छोटा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि टेक्स्ट साइज छोटी है। हम लोग टेक्स्ट साइज़ को यहाँ पे 100 डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट साइज़ को 100 डालने के बाद टेक्स्ट साइज़ थोड़ी सी बड़ी होगी, इसको मैं 100 नहीं डालता हूँ, इसको मैं 500 ही कर देता हूँ। तो 500 टेक्स्ट की साइज़ हमने 500 कर दी। यहाँ पे मैं टेक्स्ट करूँगा जी एस जोन। देखिए दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएट हो गया। टेक्स्ट क्रिएट होने के बाद टेक्स्ट को थोड़ा मैं सेंटर में मूव कर लूँगा। टेक्स्ट क्रिएट होने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट हैं चेंज करने के लिए। लेकिन चेंज करने के टाइम में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पूरा टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए जब तक आप टेक्स्ट पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करते तब तक आपका टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, टेक्स्ट फॉन्ट चेंज नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जहन में रखना है, जब भी आप फुल टेक्स्ट सेलेक्ट करते वही टाइम में आपका टेक्स्ट फॉन्ट चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मैं ऐसे ही क्लिक कर दिया, सेलेक्ट नहीं किया तो नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट हैं, हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जब तक हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक नहीं करते तब तक टेक्स्ट क्रिएट नहीं होगा। हमने क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया, टेक्स्ट क्रिएट हो गया। अभी ये टेक्स्ट ग्रुप में है तो अगेन टेक्स्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद में अगेन हम लोग टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, टेक्स्ट रोटेशन है। अगर हम लोग बनाते हैं जी एस जोन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे अगर 45 हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो 45 डिग्री में डाल दिया, तो हम लोग अगर क्रिएट टेक्स्ट करते हैं, सॉरी कुछ गलत हो गया, मैं फिर से बताऊँगा। टेक्स्ट रोटेशन करने का मसला है, यहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पे है कि शेयर विड्थ होता है। अभी समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया जीएस जोन, देखिए ये 45 में अभी क्रिएट हो रहा है टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, पहले 45 हमने डिग्री यहाँ पे 45 डिग्री सेलेक्ट, इसलिए 45 डिग्री में हो रहा है। अगर हम लोग इसको 0 कर लेते, बाद में इसको हम लोग डिलीट कर देते, उसके बाद में जीएस जोन ये अगेन 45 में आ रहा है। क्यों, इसको हम लोग 0 करके हमें इसको क्रिएट करना है, बाद में इसको डिलीट कर लेंगे। अगेन टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हमारा टेक्स्ट इधर डिग्री 0 में है। ये होती है शेयर विड्थ, मतलब थोड़ा सा क्रॉस में आ जाएगा। क्रॉस में आ जाएगा मतलब हम लोग क्लिक करेंगे जी एस जोन, हम लोग विड्थ उसको थोड़ा सा 50 भी क्रॉस करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये बन नहीं रहा है, बन इसलिए नहीं रहा है कि हम लोग जब भी उसको डिग्री डालने की कोशिश करते हैं, साइज डालने की कोशिश करते हैं, वो होता नहीं है क्योंकि हम लोग टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट नहीं करते, यही प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है। इसको मैं डिलीट करूँगा, अगेन मैं आपको करके दिखाऊँगा। क्रिएट टेक्स्ट, उसके बाद में मैं टेक्स्ट पर डालते जी एस
जोन जीए जोन पे डाल दिया, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डिग्री मैंने डाल दी 0 डिग्री, यहाँ पे क्रॉस है 50, इसको भी 0 कर दिया, क्रिएट कर दिया, सीधा हो गया। उसके बाद में इसको अंडू कर देते, कंट्रोल जेड, अगेन टेक्स्ट में जाते, टेक्स्ट पे क्लिक करते, लिखते जीएस जोन, उसके बाद में टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते। उसके बाद में इसकी स्केलिंग हाइट है, इसको हम लोग कर देते 30%, कि देखिए 30% में क्रॉस हो गया। अगर इसको रोटेट हम लोग 45 कर देते हैं तो ये 45 में रोटेट हो गया। इसको हम लोग 0 अगर लगते हैं तो 0 में आ जाएगा, ये 90 में हो गया, अगर 0 में रखते तो 0 में हो जाएगा। अगर इसको हमने 30 में किया है, इसको 0 कर देते, वो टेक्स हमारा सीधा हो जाएगा। अगर हम लोग 45 डिग्री में लगते तो ये 45 डिग्री में क्रॉस हो जाएगा। जब तक आप अपना टेक सिलेक्ट नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं होगा। टेक सिलेक्ट करके ही हमारे जो है जो इफेक्ट है वो अप्लाई होंगे। पहले हम लोग टेक सिलेक्ट कर नहीं रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा था। देखिए दोस्तों, टेक्स के बारे में, यहाँ टेक्स बोल्ड करना है, उसके बाद में इटाली में है, उसके बाद में टेक्स सेंटर में करना है, यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन है, हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको आर्टकम बेसिक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों, बेसिक आर्टकम के बारे में बता दिया। अभी ये जो ऊपर के सब सारे टूल्स हैं उनके भी मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा और आपको बिगिनिंग से, मतलब पहले से मैं आर्टकम के बारे में बताऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जीएच जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।